कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए नाइट कर्फ्यू का असर बुधवार को भी महानगर की सड़कों पर देखने को मिला। इस दौरान आरटीओ चौराहा, कचहरी, बस स्टैंड, विश्वविद्यालय रोड, डीएम आवास रोड, सिविल लाइन तथा गोलघर की दुकानें बंद रही। लोग जरूरी कार्य से ही सड़क पर दिखे और सड़कों पर सन्नाटा फैला रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा, रात्रि कर्फ्यू जैसा का आपको पता है, रात्रि 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक ये लागू रहता है। और इससे पहले हम लोग जो है सभी को अनाउंस करके दुकानें बंद करवाते हैं, सबको लगातार बताते रहते हैं कि सभी लोग अपने घरों को चले जाएं। 8 बजे के बाद जो भी मिलता है अवैध रूप से घूमते हुए, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वाहन सीजर की कार्रवाई होती है, चालान होता है। जो छूट वाले हैं उनको सिर्फ जो है आने जाने की अनुमति दी जा रही है। जनता काफ़ी जागरूक हो गई है, अब अधिकतर लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं और रात्रि कर्फ्यू का भी स्वयं पालन कर रहे हैं। अब हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वयं लोग जागरूक होकर के दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं।